फंक्शन ऑफ कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल। देखिए जो कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल है उसको अलग अलग पाथ में प्रोवाइड किया जाता है वीडियो डिटेक्टर के थ्रू। वीडियो डिटेक्टर से जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल होगा। तो ये जो सिग्नल होगा ये कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल है और इसको अलग अलग पाथ पे प्रोवाइड किया जाता है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वीडियो सिग्नल, देखिए इसमें क्या होगा कि डीसी कंपोनेंट्स होते हैं वीडियो सिग्नल। वो कैसे? जो कंटिन्यू एम्पलीट्यूड वेरिएशन होती है हर एक पिक्चर एलिमेंट की होती है, यानी हर एक पिक्चर एलिमेंट अलग अलग से ब्राइट होता है। जो वीडियो सिग्नल होता है उसकी अपनी एक एवरेज वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली और ये वाली, ये जो वैल्यू होती है ये एवरेज वैल्यू होती है। ये हमारा सिग्नल होता है वीडियो सिग्नल। एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है इसका क्योंकि ब्राइटनेस पे डिपेंड करता है। और वीडियो सिग्नल की एवरेज वैल्यू होती है और डीसी कंपोनेंट होते हैं हर एक एवरेज वैल्यू पे, उसकी ब्राइटनेस पे, उसका एक पर्टिकुलर डीसी लेवल होता है, उसमें डीसी कंपोनेंट्स होते हैं। अगर डीसी कंपोनेंट्स ना हो तो रिसीवर क्या करता है, ब्राइटनेस चेंज को फॉलो नहीं कर सकता, ब्राइटनेस को चेंज नहीं कर सकता। इसमें ये डीसी लेवल होता है, ये डीसी कंपोनेंट, इसे एवरेज वैल्यू भी बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होगा कि जो अगर डीसी कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो जो ब्राइटनेस चेंज जो होती है वो नहीं होगी, जैसे एसी सिग्नल में होती है वैसे नहीं होगी। और जो डीसी कंपोनेंट होते हैं इसमें थ्री लाइंस होती है। देखिए मैं थ्री टाइप से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि तीन वैल्यूज होती है ये कह सकते हैं। थ्री लाइन्स कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? देखिए ये जो लाइन्स होगी हमेशा व्हाइट पीक व्हाइट लेवल, ये वाला लेवल देखिए, ये पीक व्हाइट लेवल और ब्लैक लेवल, ये 72% पे होता है, 75% ब्लैंकिंग लेवल होता है। तो ये जो लेवल होता है इसके बीच में ही होगा। कैसे? ये होगा ब्लैंकिंग लेवल, ये हमारा डार्क लेवल होता है जो 72% पे होता है, और इससे ऊपर चले जाए तो डार्कर देन डार्क लेवल, बहुत ज्यादा डार्क लेवल आ जाता है। ये हमारे हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस होते हैं जो 75 से 100% तक होती है। अब एक और लें, अगर डीसी लेवल एवरेज वैल्यू इतनी भी हो सकती है, मैंने कहा थ्री लेवल्स हो सकते हैं इसके, और तो पेडेस्टल हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, द एवरेज वैल्यू कम हो जाएगी, ये डीसी लेवल शो करेगा और इसमें ये रहेगा उसका सिग्नल, ठीक है ना। सेम ऐसे ही थर्ड के लिए हॉरिजॉन्टल पल्स जो सिंक्रोनस पल्स होगी, डीसी लेवल और कम हो सकता है, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है और कम हो सकती है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, पेडेस्टल हाइट और इंक्रीज हो जाती है और फिर से ये वाला लेवल होगा इस तरह से। ये जो ब्राइटनेस होती है ना जो सीन्स पे आती है वो अलग अलग होती है, हर एक एलिमेंट की सेम नहीं होती, क्योंकि पिक्चर में अलग अलग ब्राइटनेसेस होती हैं। ये थ्री लाइंस आइडेंटिफाई करते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये फर्स्ट एवरेज, सेकंड एवरेज या थर्ड एवरेज, ये एवरेज डीसी लेवल जो होता है ये एवरेज शो करती है, जो कि एवरेज वैल्यू होती है और डिफरेंट लेवल को आइडेंटिफाई करती है और एवरेज ब्राइटनेस को शो करती है सीन, जो भी सीन होगा। देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारे ब्रेक हैं ये यूजर्स को शो करते हैं हर एक लाइन सिग्नल के बाद। डीसी कंपोनेंट्स हमारे होते हैं वीडियो सिग्नल में जो एवरेज वैल्यू को शो करते हैं, पूरे फ्रेम की एवरेज वैल्यू को शो करेंगे, यानी जो डीसी कंपोनेंट्स होते हैं ना ये पूरे फ्रेम की एवरेज वैल्यू को शो करते हैं। सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल की एक एक लाइन स्कैन होती है, हर एक लाइन की अलग एवरेज वैल्यू नहीं होती, पूरे फ्रेम की एक एवरेज वैल्यू होती है। और इसमें जब भी एवरेज वैल्यू चेंज होती है सीन की, तो ये थ्री लाइन जो होती है सेपरेटली फ्रेम होती है, कौन सी, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये एवरेज वैल्यू को शो करते हैं। ये जो डीसी लेवल होते हैं ना इनको एवरेज वैल्यू बोला जाता है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। और इसमें क्या होगा कि जो एवरेज ब्राइटनेस होती है उसे चेंज किया जा सकता है फ्रेम से फ्रेम तक, यानी एक फ्रेम की अगर एवरेज वैल्यू है, अगर हम दूसरे फ्रेम की एवरेज वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में किसी पर्टिकुलर लाइन की एवरेज वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं है, किसी पर्टिकुलर लाइन की एवरेज वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती।
ये होते हैं डीसी कंपोनेंट वीडियो सिग्नल। अब इसमें देखते हैं, हम पेडिस्टल हाइट की बात कर रहे हैं बार बार, ये पेडिस्टल हाइट होती है, ये पेडिस्टल हाइट होती है, ये क्या होती है, ये हमारा पीक व्हाइट लेवल होता है, ये जो व्हाइट लेवल होगा उसके ऊपर ब्लैक होगा और इसके ऊपर डार्कर देन डार्क, बहुत ज्यादा ब्लैक, और ये ब्लैकिंग लेवल होगा। हम पेडिस्टल हाइट की बात करते हैं, पेडिस्टल हाइट क्या होती है, देखिए जो भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस किस चीज का, डिस्टेंस बिटवीन, एक तो पेडिस्टल लेवल और एवरेज वैल्यू जो कि डीसी लेवल है एक्सिस का वीडियो सिग्नल, ये जो होगा ये पेडिस्टल हाइट और एवरेज, ये जो डिस्टेंस होता है डीसी लेवल का और जो एवरेज वैल्यू डीसी लेवल की होती है उसमें जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं पेडिस्टल हाइट, जो कि ये होगी, ये पेडिस्टल लेवल और डीसी का जो एवरेज होगी, ये होती है पेडिस्टल हाइट, जिसे पेडिस्टल हाइट बोला जाता है। ये इंडिकेट करती है कि जो सीन है उसकी एवरेज ब्राइटनेस क्या है, मेजर करती है कि जो एवरेज वैल्यू है जो ब्लैक लेवल्स पे वो कितनी है, जैसे कि ये एवरेज वैल्यू, ये वाली एवरेज वैल्यू को शो करे, क्यों कि कितनी ब्राइटनेस है, कितनी एवरेज वैल्यू आ रही है हर एक सीन में। और जब सिग्नल लॉस होता है तो इसकी जो डीसी वैल्यू होती है वो, यानी कि अगर हमारे उसमें ना कपलिंग कैपेसिटर्स लगे होते हैं, कपल कैपेसिटर सर्किट में, तो कभी कभी जो डीसी लेवल है ना वैल्यू है वो लॉस हो जाती है, सिग्नल जो होता है लॉस होता है डीसी वैल्यू में जब वो कैपेसिटर कपल सर्किट से पास होता है, जो कि डिस्टेंस होता है पेडिस्टल और डीसी लेवल का वो फिर भी सेम रहता है, ये जो डिस्टेंस होगा ना इनका, ये उस कंडीशन में भी सेम ही रहेगा, इसी वजह से जो हमारा सीन होता है ब्राइटनेस होती है वो शो होती है, एवरेजनेस शो होती है, वो खराब नहीं होती। अब पेडिस्टल लेवल्स की सेटिंग की जाती है, सेटिंग करने के लिए जो आउटपुट सिग्नल होता है टीवी कैमरा का, देखिए डीसी कैमरा से जो भी आउटपुट सिग्नल होगा वो बहुत ही, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत कम एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए उसको डिफरेंट स्टेजेस पे से पास किया जाता है, एसी कपल हाई गेन एम्पलीफायर्स में से उसे पास किया जाता है ताकि उसका एम्पलीट्यूड लेवल बढ़ सके। और इसको कपल करने से पहले और कंट्रोल एम्पलीफाई करने से पहले उसे डिफरेंट लेवल्स में पास कर दिया जाता है, और सिंक पल्स, ये जो सिंक पल्सिस होती हैं ये वाली, ये सिंक्रोनस पल्सिस होती हैं, और जो ब्लैंकिंग पल्स होती हैं, ये ब्लैंकिंग लेवल होता है, ये ब्लैंकिंग पल्स होती है, ये जो ब्लैंकिंग पल्स होती हैं वो ऐड की जाती हैं और क्लिप किया जाता है जो करेक्ट लेवल होता है। करेक्ट लेवल कौन सा, जो पेडिस्टल हाइट है, जो करेक्ट लेवल होगा, जो एवरेज होगा उसे प्रिडिक्ट किया जाता है, जो सिंक्रोनस पल्स और जो ब्लैंकिंग पल्स उसमें क्लिप करने का काम करती है। पेडिस्टल हाइट जो कि एवरेज ब्राइटनेस को शो करती है किसी भी सीन में, कि किसी भी फ्रेम की जो ब्राइटनेस है वो क्या है। और अगर वीडियो कंट्रोल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं सीन को स्टूडियो पे और सेट करते हैं लेवल को और उसके पर्टिकुलर डिजायर ब्राइटनेस, यानी कि ये जो लेवल्स हैं उन्हें सेट करते हैं, ठीक है ना, कि ये लेवल्स चेंज होते हैं फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते हैं, ये हमने पहले ही कहा है। और जो पिक्चर रिप्रोड्यूस होती है उसे मॉनिटर पे शो किया जाता है रिसीवर पे, और उसको हम जब कंट्रोल किया जाता है, जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, उसका एवरेज सेट करते हैं, उसे डीसी इंसर्शन बोला जाता है, यानी कि डीसी को इंसर्ट करना, अमाउंट ऑफ डीसी को कंपोनेंट्स को इंसर्ट करना एसी सिग्नल में। और एक बार डीसी इंसर्शन कंप्लीट हो जाती है जो पेडिस्टल लेवल है वो क्या होता है, वो सेट होता है और ब्लैक रेफरेंस पे आता है और पेडिस्टल हाइट में प्रोवाइड होती है, जो इंडिकेट करती है पर्टिकुलर ब्राइटनेस को कि जो रिस्पॉन्स है पिक्चर का वो क्या है, इसे डीसी लेवल इंसर्शन बोला जाता है। डीसी लेवल जो इंसर्ट होते हैं कंट्रोल एम्पलीफायर में वो यूजली कभी कभी लॉस हो जाते हैं जो कैपेसिटिव कपलिंग होते हैं, लेकिन पेडिस्टल हाइट उसे सेट रखता है।
ठीक है ना, और उनको करेक्ट किया जाता है डीसी कंपोनेंट्स को, और उसको जरूरी होता है क्योंकि पेडिस्टल हाइट हमेशा सेम रहती है जिसकी वजह से वो लॉस नहीं होता। ये जो होगी जितने पे सेट हो गया ना ये उतने पे ही रहेगी, तो इसी वजह से ये जो कंपोनेंट्स है ये लॉस नहीं होते। कभी कभी ये लॉस हो जाता है तो कंपोनेंट्स लॉस नहीं होते हैं क्योंकि पेडिस्टल हाइट नहीं चेंज होती एक बार सेट हो जाती है। तो ये होते हैं डीसी कंपोनेंट्स ऑफ वीडियो सिग्नल, या फिर इसमें हमने पेडिस्टल हाइट की है और पेडिस्टल की सेटिंग की है। थैंक यू।